नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है कालचक्र। धन्यवाद। खीर के भोग से आएंगी खुशियां, मेवे के भोग से पूरी होगी मनोकामना, केले के भोग से दूर होंगे कष्ट, लड्डू के भोग से खुल जाएगी कस्मा, भगवान भोग और भविष्य देखे कालचक्र। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपको अपनी मनोकामना पूरी करने और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए किस समय, किस मुहूर्त में किन देवी देवताओं को क्या कुछ भोग लगाना है और उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, धन प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को क्या चढ़ाएं, कर्ज मुक्ति के लिए भगवान को क्या भोग लगाएं, कष्टों से मुक्ति के लिए किस विधि से भोग लगाएं और भोग लगाते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखें, यह भी आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और इसके अलावा हमेशा हम कहते हैं कि आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो प्रोग्राम के दौरान ही आप हमें फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना सवाल करके जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 01206652411। और आइए अब अपनी आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। देवी देवताओं को हम सभी भोग लगाते हैं, लेकिन अगर कोई खास परेशानी है या कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है तो किस देवता को क्या भोग लगाना चाहिए, भोग किस दिन और किस मुहूर्त में लगाना चाहिए और जिससे कि हमें सबसे ज्यादा फायदा मिले, आइए पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं। पंडित जी, हम नॉर्मल पूजा तो डेली करते हैं लेकिन जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं उसके हिसाब से भी हमें देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, बताइए इस बारे में। देखिए, ऐसी है बात कि हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार की मनोकामना होती है उस प्रकार के यज्ञ या कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। जी, यज्ञ को एक तरह से कर्म ही समझो। गीता में भगवान कृष्ण ने यज्ञ की परिभाषा ये नहीं की है कि 16 बांस गाड़ो, सरपत से उसको ढको, 50 पंडितों को बुलाओ और मंत्रोच्चार कराओ, हवन कराओ, इसको भगवान कृष्ण ने गीता में यज्ञ नहीं कहा है। गीता में भगवान ने जो यज्ञ की परिभाषा की है जी, वो यज्ञ की परिभाषा है अपान वायु में प्राण वायु का हवन, मतलब श्वास में श्वास का हवन। ये क्या है? ये नाम जप है, ये हरि संकीर्तन है, ये प्रभु का स्मरण है, आत्मा में ही आत्मा का रमण। और सबसे बड़ा उन्होंने ज्ञान यज्ञ कहा है। ज्ञान यज्ञ क्या है? ईश्वर को सतत प्राप्त होने की जो प्रक्रिया का कार्यक्रम है वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। और सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान है। जी बिल्कुल। आप कोई भी वस्तु किसी को दान कर दीजिए, वो वस्तु आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपने किसी को ज्ञान दान दे दिया है, ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है, तो यह एक ऐसा दान है जो उसके जीवन पर्यंत कभी नष्ट न होने वाली वस्तु है। तो देखिए, हम सांसारिक लोग हैं और विपनेश जी, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, अब चंद्रमा को हमारे यहां सामवेद में कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और कुंडली में चंद्रमा को बीज समझ करके और तब ज्योतिषी को चंद्रमा के फलादेश करने चाहिए। अब हमारी शरीर है, बिल्कुल, इस शरीर में चंद्रमा का स्थान कहां है ये जानना चाहिए। तो चंद्रमा का स्थान बाईं आंख के ऊपर, मस्तक पर बाईं आंख के ऊपर चंद्रमा का स्थान है। और चंद्रमा का उच्च स्थान जो है, यहां तो स्थान है और उच्च स्थान हृदय पर है। इसमें क्या अंतर है पंडित जी? इसमें बहुत अंतर है। इसमें अंतर यह है कि हमारे शरीर की जो संरचना है, इस संरचना में शरीर में 7 चक्रों की कल्पना ऋषियों मुनियों ने की है। पहला चक्र जो होता है
उसका नाम है मूलाधार चक्र, जो रेक्टम गुदा मार्ग पर होता है जी। दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान, जो मतलब कि मूत्राशय के पास होता है। तीसरा चक्र है मणिपूरक, जो नाभि पर होता है। और चौथा चक्र है अनाहत, जो हृदय पर होता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि, जो कंठ में होता है। छठवां चक्र है आज्ञा चक्र, जो भ्रिकुटी पर होता है। और सातवां चक्र है सहस्रार, जो मस्तक के ऊपर होता है जी। अब इन्हीं सात चक्रों में ग्रहों को, ग्रहों की स्थिति बताई गई है। जैसे मूलाधार चक्र पर शनि की स्थिति बताई गई है। अब वहां मकर और कुंभ राशि की कल्पना की गई है। अब जैसे बच्चा जब पेट में रहता है तो उसके दोनों पैर उसके कंधे में लगे होते हैं, और बच्चे की गुदा मार्ग जो होता है, बच्चे का जो रेक्टम होता है वो सबसे ऊपर होता है, और बच्चे का सर जो होता है वो सबसे नीचे होता है जी। तो सबसे ऊपर मकर और कुंभ राशि है, वहां का स्वामी शनि है। शनि 30 वर्ष में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। सबसे मंद ग्रह क्या है? शनि। सबसे ऊपर कौन सा ग्रह हुआ? शनि। इसीलिए मकर कुंभ की कल्पना रेक्टम पर की गई है, और वहां मकर कुंभ राशि है, वो मूलाधार चक्र है। वो कहां है? गर्भ में सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र पे धनु और मीन राशि की कल्पना की गई है। धनु और मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति की चाल क्या है? एक वर्ष में एक राशि पर चलते हैं। शनि से कम समय में चलने वाले यही हैं। 12 वर्षों में एक बार ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसलिए वहां धनु और मीन राशि की कल्पना की गई है। इसी तरह से नंबर आता है मणिपूरक चक्र का। मणिपूरक चक्र कहाँ है? नाभि पर, उसके नीचे है जी। स्वाधिष्ठान चक्र के नीचे है। वहां कल्पना किसकी की गई है? वहां कल्पना मंगल की गई है। मंगल कितने महीने एक राशि में रहता है? 1.5 महीने। मंगल 18 महीने में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो इस तरह से मंगल की मेष और वृश्चिक राशि नाभि पर होती है, ठीक है। मंगल का स्वभाव क्या है? उष्मा, उष्मा कारक, गर्म। वहां क्या होती है? वहां होती है जठराग्नि। उसका काम क्या है? भोजन को डाइजेस्ट करना। वहां क्या होती है? समान वायु, जो शरीर के टेम्परेचर को 98.4 पे जो है कंट्रोल करती है। अगर समान वायु बिगड़ जाए तो बुखार या तो बहुत तेज हो जाएगा, या हाथ पैर ठंडा हो जाएगा, आदमी के मरने की भी स्थिति हो सकती है जी। इसी तरह से हृदय, हृदय पर जो है, इसके बाद हृदय आता है, मणिपूरक के नीचे हृदय आता है। हृदय चक्र पर वृषभ और तुला राशि की कल्पना की गई है। वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो 28 दिन एक राशि पे रहता है, ठीक है जी। तो उसके नीचे क्या है? विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र का स्वामी मिथुन और कन्या का है बुध। बुध 26 दिन एक राशि में रहता है। इसके बाद बाएं आंख पर जो है चंद्रमा का स्थान है, जो 2.25 दिन एक राशि में रहता है। और दाहिनी आंख जो सबसे नीचे है, यहाँ सूर्य का स्थान है, जो 1 महीने एक राशि में रहता है। तो इस तरह से ग्रहों के स्थान जो है शरीर में कल्पित किए गए हैं। अगर किसी की कुंडली में सारे ग्रह गड़बड़ सड़बड़ बैठे हुए हैं, ठीक है, और सब खराब हैं, अगर वो व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे सारे ग्रहों को ठीक करना है, मुझे राजा धीराज बनना है, मुझे ज्ञानी और बुद्धिमान बनना है, और इन चक्रों के हिसाब से वो ग्रहों को जागृत करना शुरू कर दे। जैसे चंद्रमा किसी का वृश्चिक राशि का हो गया जी, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच राशि माना जाता है। तो वृश्चिक राशि पे होगा तो नाभि पे चंद्रमा की स्पार्किंग होगी। नाभि पर जब होगी तो यहाँ उष्मा कारक मंगल का असर कम होगा, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारक है, तो डाइजेशन मंद हो जाएगी। ऐसे आदमी की डाइजेशन जो है मंद हो जाएगी, धीरे धीरे खाना डाइजेस्ट होगा, उसको आलस्य बहुत आएगी, नींद बहुत आएगी, स्फूर्ति नहीं रहेगी। अब इस चंद्रमा को ठीक करना है तो बस सुबह शाम बैठ जाओ, आंख बंद करो, और बाईं आंख पे चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके
ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करो और मन को ठाट दो कि चंद्रमा मणिपूरक से चल के और यहां पर जो है इस चक्र पर जो है योजना चक्र पर आ रहा है। मतलब मंत्र पूजा से आप ग्रहों की जो खराब दिशा उसको हाँ साउंड एनर्जी में इतनी ताकत है। तो चंद्रमा को जब आपने यहाँ ला दिया या चंद्रमा को आपने हृदय पे ला दिया, दोनों जगहों पे यहाँ चंद्रमा उच्च स्थानी होता है, यहाँ स्वस्थानी होता है, तो आपकी जो मतलब की डाइजेशन की समस्या है वो तो ठीक होगी। आपकी प्लानिंग जो है चक्रव्यूह बन जाएगी। आप अगर कोई प्लानिंग कर दोगे तो उस प्लानिंग में कोई छेद कर दे, ऐसा धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, अन्न से मन का निर्माण होता है। लेकिन मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है और मन ही आदमी के उन्नति और पतन का कारण है। बिल्कुल सही कहा। मगन मन अगर आपको बुरे मार्गों पर लेकर चला जाए तो पतन सुनिश्चित है, और मन आपको नेक कार्यों की तरफ आगे बढ़ाए तो आपकी उन्नति निश्चित है। तो अगर चंद्रमा कमजोर है या शादी में दिक्कत आ रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो भगवान शिव का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने साथ धारण किया हुआ है और भगवान शिव को पूजा उपासना के खूब विधिवत साथ साथ भांग और पंचामृत का भोग भी पसंद है। अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए दूध दही शहद शक्कर घी जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करते समय अगर संभव हो तो आप अपने YouTube में रुद्र सूक्तम चला लीजिए और रुद्र सूक्तम के 16 मंत्रों को चलाते हुए आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए, देखिए कैसे आपकी मनोकामना सद्यः पूर्ण होती है। क्यों? मंत्र महामण विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के, सकल अमंगल मेटन हारी भाभी मेट सकह त्रिपुरारी। होनी को भी बदलने की सामर्थ्य भगवान शिव में है, और जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं उनके लिए इस संसार सागर में कुछ भी दुर्गम नहीं है। इसलिए भगवान शिव की शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। और मान लीजिए आज भागती हुई जिंदगी है, आज सबसे बड़ा भूत करियर, जिसको देखो वही करियर ठीक नहीं है, करियर ठीक नहीं है, करियर ठीक नहीं है। अभी मैंने विपनेश से पूछा कि तुम अपने लिए कितने घंटे जीती हो, तो इस कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैंने पूछ लिया, अभी सोच रही होगी बता दे रहे हैं सबसे। तो इन्होंने कहा मैं तो अपने लिए एक मिनट नहीं जी पाती हूँ, अर्थात मैं या तो काम में लगी हूँ, या तो परिवार में लगी हूँ, या तो परिवार को देखती हूँ, या तो काम को देखती हूँ। अपने लिए जो हमारा पर्सनल समय होता है, जिसे हमारे और भगवान के बीच में कोई तीसरा न हो, वो वाला समय नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब यह है, शिवलिंग पर भांग धतूरा गंध चंदन फूल कपड़ा ये सब वस्तुएं जो भी आपके सामर्थ्य में है वो अर्पित करिए, लेकिन भगवान शिव से अपने हृदय का कनेक्शन जोड़िए। ऐसा कनेक्शन जोड़िए कि भगवान शिव हर समय आपके हृदय में विराजमान है। भगवान शिव को रेवड़ी चिरौजी मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो सावन में भगवान शिव को पंचामृत गुड़ चना और चिरौजी का भोग लगाइए। जो कन्याएं 10 साल 12 साल की हैं, अगर वो सोमवार का व्रत करना शुरू कर दें और शिव जी की आराधना शुरू कर दें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, कहीं रुकावट नहीं है। हफ्ता में एक दिन सोमवार को अपने घर में ही एक पारे का शिवलिंग रख लो और पूजा करो और ओम नमः शिवाय का जप करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसी कन्याएं जिस घर में अपना कदम रखेंगी वहां लक्ष्मी पहले जाकर पहुंच जाएंगी, वहां समृद्धि पहले जाके पहुंच जाएगी, उनका पति दीर्घायु हो जाएगा, उनके पति में कोई दुर्व्यसन नहीं होगा, उनका संतान सूर्य के समान होगा, उनका घर नंदन बन के समान होगा। अगर कन्याएं सोमवार का व्रत करना शुरू कर दें, अरे बाप रे,
ये आप समझ लो ना कि सृष्टि में अद्वितीय हो जाएंगी वो। और पुरुष अगर भगवान शिव की आराधना करे तो मैं दावे के साथ कहता हूं चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो उस दुर्भाग्य को भगवान शिव नष्ट करने में सामर्थ्यवान है। कभी दरिद्रता आपके पास आ नहीं सकती। रावण जैसे दुराचारी ने जब भगवान शिव की उपासना की तो भगवान शिव ने रावण को क्या दे दिया? सोने की लंका। रावण को क्या दे दिया? चंद्रहास तलवार। रावण को क्या दे दिया? अजेय होने का वरदान। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। छोटी मोटी चीजों के लिए क्या बात करना यार, कि आमदनी नहीं बढ़ रही है, फिजूल खर्च नहीं रुक रहा, सब बड़ी छोटी मोटी तुच्छ मुच्छ बातें हैं। भगवान शिव तो इतना दे देंगे आपको, इतना दे देंगे कि सतरत सतरत सान लोकान तारेत, अपने अलावा पूरे संसार का खर्चा चलाने लायक हो जाओगे। केवल भगवान की शिव की शरणागति तो ले लो। अगर फिजूल खर्ची नहीं रुक रहा है तो शुक्ल पक्ष में अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक शिव मंदिर में केले के पत्ते पर, केला का पत्ता बहुत पवित्र माना जाता है सनातन धर्म में, और उसमें खूब बढ़िया बासमती का चावल पकाइए और शुद्ध दही, ये दोनों चीजें रख करके भगवान शिव को ओम नाभ्यासिदंतरिषग्वंशिषणौद्योषमवर्तता पदभ्याम भूमिर्धि सहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान शिव को भोग लगाइए और वो दही भात का भोग भगवान शिव को लगाइए। प्रसाद अगर शिवलिंग मंदिर का है तो वहां पुजारी को दे दीजिए, अगर घर में लगा रहे हैं प्रसाद तो उसका आप भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग से स्पर्श हुआ प्रसाद जो है वो मतलब कि चंडेश्वर का प्रसाद हो जाता है, उसको स्वयं ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, उसे शिवजी के पुजारी को ही ग्रहण करने का अधिकार है। क्योंकि भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श किया हुआ प्रसाद जो होता है वो चंडेश्वर का हक माना जाता है, उसपे मनुष्य का हक समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवास। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। गुड़िया बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका कालचक्र में। गुड़िया जी अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। चलिए उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया, लेकिन मुरादाबाद से हर्षित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए, क्या नाम है आपका? पंडित जी मेरा नाम हर्षित ओझा है, मेरे दो प्रश्न है। पहला, मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 2003 है, शाम 5:30 बजे। मैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें सफलता कब तक मिलेगी? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विस एग्जाम। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरे बड़े भाई के लिए है, वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम की। उनका डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 2002 है, शाम 3:45। तो उनको कब तक सफलता मिलेगी और वो मांगलिक है कि नहीं? क्या कह रहे हो? मांगलिक है कि नहीं? अच्छा, तो पहले हर्षित आप अपने ही बारे में जान लीजिए। आपका दशम भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ व्यय भाव में है, मिथुन राशि में है। अगर आप खूब मेहनत करेंगे तो 27वें वर्ष में आपको यूपीएससी या यूपीएससी से समकक्ष परीक्षा में सफलता मिल सकती है और प्रशासनिक सेवा का योग बन सकता है। लेकिन चूंकि सूर्य और मंगल की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप यूपीएससी में ही सफल होंगे, उसके समकक्ष और कोई भी प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हो सकता है। इसलिए विकल्प खुला रखिएगा, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही टारगेट पे आप अपना समय खराब करें। आपने अपने बड़े भाई के बारे में जो प्रश्न किया है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। शुक्र और शनि की स्थिति परस्पर 6वीं-8वीं है, बहुत इनकी लाइफ संघर्षमय है, इनको अपना करियर बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा।
अगर ये चाहते हैं कि इनका करियर ठीक बने तो इन्हें हर दिन स्नान के बाद कम से कम 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और मंगलवार का व्रत भी करना चाहिए। देखो ऐसा होता है, सिर्फ मेहनत और परिश्रम से ही सब कुछ नहीं होता है। मेहनत के साथ साथ अगर भाग्य मेहरबान हो तो सारे काम आसान हो जाते हैं। और इनके स्टार कमजोर हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और जब भी संभव हो तो इन्हें मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते रहना चाहिए। हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो सब असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है, सब जानते हैं। इनको किस तरह का भोग लगाने से क्या लाभ होता है और ये भोग किस समय लगाया जाए तो ज्यादा असरदार हो जाता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन अपने हिसाब से एक तो मंगलवार के दिन को लेकर लोग सतर्क रहते हैं, खाने पीने को लेकर, पूजा को लेकर, हर तरीके से, लेकिन फिर भी कोई ऐसा समय, कोई ऐसा भोग जो बहुत खास हो जिससे इस दिन का और अच्छे से लाभ उठा सकें। कहते हैं मंगलामुखी सदा सुखी जी। मंगलवार का दिन जो है मनुष्यों को सुख देने के लिए ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये है मंगलवार, मंगलवार का मतलब कि ये हनुमान जी का दिन है जी। और ये मंगल ग्रह का दिन है और मंगल ग्रह जो है साहस और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। जिसकी कुंडली में मंगल ज्यादा अशुभ हो जाए ऐसा व्यक्ति अपराधी और हत्यारा हो जाता है। मंगल कमजोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति डरपोक और कायर हो जाता है। मंगल अगर निर्बल हो जाए तो आदमी का साहस क्षीण हो जाता है। मंगल अगर सौम्य अवस्था में है, मंगल अगर उच्चस्थ स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी और रक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी होता है। तो मंगल की स्थितियों का आकलन करना चाहिए और मंगल के देवता जो है वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी क्या हैं? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी, ठीक है। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता कितनी है विपिनेश, हनुमान जी को एक तरफ कह रहे हैं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं विभीषण से मिलते हैं तो अपना परिचय जानते हो क्या देते हैं? असमय अधम सखा, अपने को अधम कहते हैं, असमय अधम सखा मोहु पर रघुवीर, असकहि कपि गदगद भयो भरेउ बिलोचन अनीर। दैन्यता कितनी है हनुमान जी में, अहंकार का लेस है। हाँ, यहां तो मनुष्य के अंदर जरा सी काबिलियत आई कि अपनी वाहवाही में ही मरने लगता है। इसीलिए तो ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी की जब पूजा की बात आई थी तो उन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत कीजिए, बस जय श्री राम बोल दीजिए, मैं मेरी पूजा ही होगी। वो जय श्री राम मेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेउ रामू, समझ रहे हो। तो कहने का आशय ये है, जब समुद्र पर जो है पुल बन रहा था तो सब बंदर भालू पत्थर लाला के डाल रहे थे। भगवान राम ने सोचा कि मैं भी बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ, इन लोगों के सहयोग में 2-4 पत्थर तो मैं भी डाल सकता हूँ, और जब पत्थर मेरे नाम से तैर रहे हैं तो मैं डालूंगा तो तैरेगा ही। तो भगवान ने अकेले में, ये मन में उनके भय था कि कहीं न तैरा हो किसी ने देख लिया तब क्या होगा, तो भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाल दिया और वो पत्थर डूब गया। भगवान सोचे अरे कोई देखा तो नहीं, तो हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या हुआ, कहें अरे हनुमान मैंने एक पत्थर फेंका वो डूब गया। कहें प्रभु आप जिसको फेंक देंगे वो तैरेगा, आप जिसको फेंक देंगे वो तैरेगा, कभी आपके फेंकने पे कोई तैरेगा, कभी न तैरेगा प्रभु, आप तो जिसको छू देंगे जिसका स्पर्श कर देंगे वही तैरेगा। तो यहां हनुमान जी की दृष्टि देखिए, इसीलिए वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ठीक है जी। तो भाई अगर आप कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, आप अगर मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, आपके विवाह शादी में बहुत रुकावट आ रही है, शादी के बाद भी यदि आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, आपका हर किसी से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा,
और गुड़ से बने हुए लड्डू, पान का पत्ता और केसर, ये सारी चीजें बहुत पसंद हैं। हनुमान जी को इमरती का भी भोग पसंद है। इस तरह के संकट से मुक्ति पाने, हर तरह से संकट से मुक्ति पाने के लिए 5 मंगलवार आप हनुमान जी को चोला सोच रहे हैं क्या, सिंदूर पीला वाला और चमेली का तेल मिला करके जो भगवान हनुमान जी के मूर्ति पर लेप किया जाता है, इसी को चोला कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 10 साल की उम्र तक मैं भी नहीं जानता था चोला क्या होता है। तो चूंकि जो चीजें मुझे मालूम नहीं रही होती हैं, जिसमें मैं भ्रमित रहा होता हूं, वो बात मैं अपने दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं। मैं सोचता हूं मेरी तरह कहीं ये भी बुद्धू ना हो। इसलिए चोला उसी को कहते हैं जो सिंदूर और चमेली के तेल का लो लेप हनुमान जी के पूरे शरीर पर किया जाता है, उसी को चोला कहते हैं। और खूब उसके बाद में अच्छा भोग लगाना चाहिए। अगर मकान नहीं बन पा रहा है या प्रॉपर्टी के मामले में रुकावट आ रही है, तो मंगलवार के दिन 800 ग्राम साबुत चने सोमवार को ही भिगो लीजिए और मंगलवार को वो चने और गुड़ ये ले जाकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दीजिए, उसको बच्चों में बांट दीजिए या जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए या घर ले आकर के उसका सेवन करिए, सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं के भोग की और पंडित सुरेश पांडे जी आज हमें बता रहे हैं कि कैसे देवी देवताओं को शुभ समय में उनका पसंदीदा भोग लगाकर हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आपके जो भी मनोकामनाएं वो पूरी हो सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भगवान गणेश की। सभी को पता है कि मोदक और लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय है, लेकिन इनका भोग किस समय उनको लगाने और चढ़ाने से कौन सी परेशानियां जीवन से दूर हो जाएंगी, ये आज पंडित जी से हम जानते हैं। पूजा में प्रथम स्थान हासिल किया है गणेश जी ने, उनके बिना तो पूजा संभव ही नहीं है, भोग भी उनका स्पेशल है, लेकिन पंडित जी आज समय और मुहूर्त एक ऐसा जिससे वो अति प्रसन्न हो और जीवन से संकट दूर हो जाए। देखो विपिनेश, पहले मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए, भगवान जो है, भगवान का कोई रूप हो, चाहे वो गणेश जी ही क्यों ना हो, गणेशो साक्षात कृष्ण। अगर जरा सा भी आदमी तत्वज्ञानी है, जरा सा भी उसे धर्म का बोध है, तो गणेश साक्षात कृष्ण ही है, गणेशो साक्षात कृष्ण। ये ऐसा नहीं मैं कोई कपोल कल्पना की बात कह रहा हूं, ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं भले ही मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा ना हो, आप गणेश जी की पूजा कर लीजिए। हाँ, एक ही बात है, ये कही बात है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान का कोई भी स्वरूप आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब अपने में संतुष्ट, अपने को अपने आप में संतुष्ट, ये आत्मा राम की स्थिति है। भगवान को किसी के नैवेद्य की कोई जरूरत नहीं है, भगवान भूखे नहीं है, भगवान को भूख नहीं लगी है, वो हमारी तरह प्राकृतिक शरीर के नहीं हैं, ना उन्हें किसी भोग विलासिता से कोई मतलब है। लेकिन एक बात जानो, अपने भक्तों को खुशी देने के लिए वो, अपने भक्तों को खुशी देने के लिए वो प्रसाद ग्रहण का जो है वो स्वांग करते हैं। चाहे सुदामा के कांख से खींच करके चावल की गठरी में से एक मुट्ठी चावल खाना हो, चाहे सबरी के बेर खाना हो, चाहे बिदुरानी के केले के छिलके खाना हो, ये सब उनका लीला है, अपने भक्तों को प्रसन्न करने की लीला है। अब बताओ, वसुदेव और देवकी के पुत्र हुए भगवान और नंद यशोदा ने पाला जी। नंद जी के यहां 9 लाख गायें, कितने 9 लाख गायें। जिसके पास 9 लाख गाय हो, क्या उसके घर में इतना मक्खन नहीं होता है कि उसका बेटा दूसरे घर में जाए मक्खन चुराने? लेकिन वो दूसरों के घर जा करके मक्खन चुराते थे, बंदरों को खिलाते थे, अपने ग्वाल बालों को खिलाते थे। क्यों? ग्वाली ने ये दिन रात प्रार्थना करती थी कि मैं सोकर उठूंगी और पहले नित्य क्रिया भी नहीं करूंगी, पहले मैं मक्खन निकालूंगी और मक्खन ऐसी जगह रखूंगी जहां कान्हा का हाथ पहुंच जाए, ताकि वो मेरे घर में आए, माखन चोरी करे, अपने सखाओं को खिलाए और मैं छिप करके देखूं और तब उसको पकड़ करके अपने सीने से लगाऊं, उसको चोर की तरह पकड़कर अपने सीने से लगाऊं। वो सुख था उनका।
और जब कन्हैया नहीं आते थे तो निकल निकल दरवाजे से देखती थी, पड़ोसियों से पूछती थी, आज कान्हा दिखाई दिया, आज नहीं आया उत्पाती, पता नहीं कहाँ है आज। व्याकुलता हो जाती उनके अंदर, व्याकुलता हो जाती, हर समय बढ़िया से बढ़िया माखन इसलिए निकालती कि आज कान्हा मेरे घर आएगा, वो माखन चुराएगा, मैं उसको पकड़ूंगी, मैं उसे हृदय से लगाऊंगी, उसके मुंह में माखन लगा रहेगा। अरे नंद बाबा के पास तो 9 लाख गैया थी, जी बिल्कुल, उन्हें क्या जरूरत थी, लेकिन अपने भक्तजनों को सुख पहुंचाने के लिए कई कई कल्पों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या करके तब गोपियों का और ग्वालिनों का जन्म धारण किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण और अगर आप महाभारत को देखिए तो उसमें वर्णन मिलता है कि 3-3 कल्प 4-4 कल्प तक ऋषि मुनियों ने तपस्या करके और उनसे ये वरदान मांगा कि हम आपका सानिध्य प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा कि द्वापर में जब मेरा अवतार होगा तो आप उस समय हमारा सानिध्य प्राप्त करने के लिए ग्वालिन और गोपियों के रूप में अवतरित होंगे। मिथिला की गोपियां, अयोध्या की गोपियां, ब्रज की गोपियां। अब आप कहोगे मिथिला की गोपियां कहां से आ गई? हाँ, यही सवाल। तो जब भगवान राम धनुष यज्ञ में गए थे तो सब नरनारी मोहित हो गए थे और जितनी वहां किशोरियां थी, जितनी वहां कन्याएं थी, सब भगवान राम के ऊपर मोहित थी। भगवान राम ने सबके मन की बात जानी और द्वापर में मिलूंगा ऐसा मन में संकल्प लिया। वो सब आकर के यहां ब्रज में गोपियां हुई। अयोध्या की राम के स्वरूप को निहार करके पागल हो जाती थी, भगवान ने उन्हें भी मिलने के लिए द्वापर में जी और यहां वृंदावन में समय दिया। तो कहने का मतलब भगवान हमारे किसी प्रसाद के मोहताज नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दिया और भगवान को हम क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे, लोग जाके दान पेटी में दान करते हैं भगवान को, तो कहने का मतलब तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तदीयम वस्तु गोविंदम, हे गोविंद आपकी ही वस्तु आपको समर्पित है, भाव यही होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। तो बुद्धि ज्ञान रिद्धि सिद्धि और सूझबूझ के देवता भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश को मोदक और मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए हर बुधवार गणेश जी को दुर्वांकुर और मोदक चढ़ाना चाहिए। जो लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं, कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा है, घर में बीमारियां हैं, लड़के पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, अगर वो लोग अपने घर में 1000 लड्डू और 1000 दुर्वांकुर मिट्टी के गणेश जी अपने घर में ला करके चतुर्थी तिथि पर और किसी योग्य विद्वान को बुला करके गणेश जी का पूजन करके और 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा भगवान गणेश के 1000 नामों से समर्पित करें, उनकी अगर तत्काल मनोकामना न पूरी हो जाए तो आप बताइए, आप कहिएगा क्या कहा इन्होंने। अगर साल में एक बार कोई ये कार्य करता रहे, लगभग 30 किलो लड्डू लगता है, और जिन लोगों ने भी किया है, मेरा अनुभव है उन लोगों के घर में हर समय रिद्धि सिद्धि रहती है। अगर लगातार घाटा हो रहा है कार्य क्षेत्र में, श्वेतार्क के गणेश की स्थापना करिए। श्वेतार्क क्या होता है? सफेद मंदार होता है। सफेद मंदार का पेड़ जो होता है, अगर वो 5 साल पुराना हो गया है और उसकी आप खुदाई करेंगे तो उसमें से स्वयंभू गणेश प्रकट होते हैं। उनको आप कटिंग छटिंग करके जिस तरह से उनका गणेश का स्वरूप बनता है, बना करके और शुद्ध गंगा जल से धो करके और उसमें सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करके अगर आप अपने पूजा स्थान में उनकी स्थापना कर लें चतुर्थी तिथि पर, तो वो साक्षात कल्प वृक्ष के समान फलदायी हैं। आपकी हर मनोकामना उनके सामने कहते ही पूरी हो जाएगी। और खीर का भोग भी लगा दिया करें। भगवान विष्णु को खीर और सूजी का हलवा बहुत पसंद है। खीर में तुलसी का पत्ता और केसर भी डालिए। हर रविवार और गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर जाकर के खीर या सूजी के हलवे का भोग लगाने से धन और समृद्धि मिलती है।
जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आपको पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आपको किस देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनको कुछ खास भोग लगाने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ऐसे तो जितने भी गरीब हैं अगर ये पूजा कर लेते हैं जो आप बताने जा रहे हैं, किस देवी देवता को भोग लगाएं, तो काफी हद तक उनकी मदद हो सकती है। मैं एक बात बताऊं, पता नहीं मेरी बात कहां तक पहुंच रही है, लेकिन अगर सनातन धर्म में कोई पैदा हुआ है और सनातन धर्म का आश्रय ले ले और अपना आचार विचार खान पान रहन सहन सोच सनातन धर्म के अनुरूप कर ले, तो गरीबी और दरिद्रता का साहस नहीं है कि उसके घर में प्रवेश करे और उसके घर में हर समय रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। ये 5 किलो गेहूं और चावल बांटने से जो है देश की गरीबी नहीं जाएगी। देश की गरीबी जाएगी जब लोगों का चरित्र अच्छा होगा, जब लोगों की सोच अच्छी होगी, जब लोगों की सोच पवित्र होगी, जब लोगों का सोच परमार्थ में होगा, जब लोग दूसरों के भलाई के लिए सोचेंगे, जब लोग अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा सोचेंगे और जब लोगों का खान पान ठीक होगा, तब जाकर देश की गरीबी और दरिद्रता मिटेगी। 5 किलो गेहूं और चावल बांटने से देश की गरीबी और दरिद्रता नहीं मिट सकती, बल्कि इससे देश में आलस्य और लोगों के अंदर अकर्तव्य परायणता बढ़ जाएगी। मेरा इसमें ये मानना है कि जब सभी शिक्षित हो जाएंगे और शिक्षा के हिसाब से उनको रोजगार मिलेगा तो देखो काफी यहाँ शिक्षित का मतलब क्या है, यहाँ शिक्षित का मतलब ये है ग्रेजुएट कर लेना, इंटरमीडिएट कर लेना, हाई स्कूल कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ तो एक तक नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो जो बोलती थी ना, ऐसा लगता था कि ये मतलब कि कोई बहुत बड़े उपनिषद की बात बोल रही है। बुद्धिमानी और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। आप बहुत पढ़ लिख गए और आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ऐसे ऐसे IAS की कहानी सुनाई दे रही है कि 12 करोड़ पकड़ा गया, जेल में चले गए, क्या हुआ पढ़ाई का मतलब? यही आपका ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही पढ़ाई है। 300 करोड़ रुपया पकड़े गए, जेल में ठूस दिए गए, यही ज्ञान है आपका। ईमानदारी की बात करते थे और सबको बेईमान बनाते थे, सबके चोरी का चिट्ठा खोलते थे और खुद मतलब चोरी के आरोप में जेल में जाकर बैठ करके राम राम कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ धार्मिक ज्ञान भी, पढ़ाई के साथ जीवन शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरों के हित के बारे में सोचना, किसी को बेवकूफ न बनाना, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करना, अपने कर्म के प्रति जागृत रहना, अपने मन में एक जलन होना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। बड़ा आदमी बनने से 5 चीजें रोक देती हैं बेटा, क्या? आलस्य, बीमारी, संतोष, स्त्री की दासता, भोजन और नींद। कहते हैं पंडित जी, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सही बात है। और हमारे गुरु जी परम पवित्र कीर्ति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज, जिनके दर्शन के लिए रात में 1 बजे रात 1 लाख लोगों की भीड़ खड़ी रहती है, वो कहते हैं जो बनना है वो सोचो, जो बनना है वो सोचो और जो सोचोगे वो बनोगे। और उनकी इस बात में बहुत दम है, जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वो बनोगे। भारत में तो कोई गरीब रह ही नहीं सकता, ये धराधाम ऐसी पवित्र है, यहाँ गंगा बहती है, जमुना बहती है, यहाँ राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ दुर्गा, यहाँ काली, यहाँ महालक्ष्मी, यहाँ कैसे दरिद्रता रह सकती है? दरिद्रता तो यहाँ लोगों ने जान करके दरिद्रता का आवाहन किया है, दरिद्रता को बुलाया है, अपना खान पान दूषित किया है, अपना आचार विचार दूषित किया है, अपने अंदर मानवता का कोई लेस नहीं है, दूसरे के प्रति कोई दर्द नहीं है, इसलिए दरिद्रता यहां है। दरिद्रता क्यों रह सकती है अगर धर्म की जागृति भी मांगे बारिध जे दें ही जल रामचंद्र के राज। कोई साधारण सा भी इंसान जब राम राज में कहता था मेघ आज पानी बरसा देना, खेती की जरूरत है, तो बादल पानी बरसा के चले जाते थे, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो अगर हम अपने को सुधारें, हम अपना जीवन सनातन धर्म के अनुरूप करें, तो गरीबी और दरिद्रता ये कहां रह सकती है? इसमें तो एक क्षण में आग लग जाएगी।
हाँ, पैसा खर्च हो जा रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, कर्ज लेने की नौबत आ रही है, कहीं न कहीं आपके डिसीजन की मिस्टेक है। आप मान लीजिए आप बहुत पंचुअली नहीं चल रहे हैं और आप लालच के शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, श्री सुक्तम के पाठ करिए, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए, घर की महिलाओं से आग्रह करिए हाथ जोड़ करके कि घर का एक काम कम करें लेकिन महालक्ष्मी का आवाहन करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और घर को साफ सुथरा रखें और घर की महिलाओं का सम्मान करिए। आप चाहे जितने बड़े पुरुषार्थी हों, चाहे जितना बड़ा कर्ण की तरह आपका पुरुषार्थ हो, लेकिन अगर घर की महिलाओं का आपने अपमान किया और घर की महिलाओं को आपने अपमानित किया तो लक्ष्मी कभी थूकेगी भी नहीं आपके ऊपर, ये बात पक्का समझ लीजिए। इसलिए चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे बहन, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी, हर महिला का सम्मान होना ही चाहिए। माँ लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री हैं और रात्रि सूक्तम में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत सु, संसार की सारी स्त्रियों में वही माता विद्यमान है जिसे आप लक्ष्मी कहते हैं, जिसे आप सरस्वती कहते हैं, जिसे आप दुर्गा कहते हैं, आपकी दृष्टि में दोष नहीं आना चाहिए। माँ लक्ष्मी को केसर वाले चावल, खीर, पीली मिठाइयां ये बहुत पसंद है। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए 11 शुक्रवार माँ लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं और केसर वाली खीर का भोग लगाएं। अगर आप 500 करोड़ के कर्ज में हो गए हैं और अब आपको लगता है कि आप या तो दिवालिया होंगे या तो घर छोड़ करके विदेश भागेंगे, तो एक मेरा उपाय कर लो, आप एक बढ़िया श्रीयंत्र अपने घर ले आइए स्फटिक का, और एक बढ़िया चांदी की मूर्ति महालक्ष्मी की ले आइए। और नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन नवरात्रों में आप उस स्फटिक के, श्रीयंत्र का और दुर्गा के चित्र का विधिवत राजोपचार पूजन करिए और 1000 कमल के फूल, ललिता सहस्र नाम के 1000 नामों से आप महालक्ष्मी पर अर्पित करिए। 9 दिन ये उपाय करिए, अगर 10वें दिन के बाद आपका सोया हुआ भाग्य न जग जाए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। आप ये उपाय करके देखिए, 500 करोड़ रुपए का कर्ज होगा तो भी आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और एक बार आपके जीवन में पंख लग जाएगा। आप करके देखिए, 9 दिन तक लगातार भगवती दुर्गा का कमल के फूलों से, ललिता सहस्त्र नाम से अर्चन करके देखिए। माँ दुर्गा को खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूरन पोली, केला, नारियल और मिठाई बहुत पसंद है। मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्र में माँ दुर्गा को खीर, केला, नारियल का भोग लगाइए। धन लाभ पाने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए बुधवार और शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को मीठे हलवे का भोग लगाइए। जय माँ विंध्यवासिनी। शनि को शांत करना है तो शनिदेव को उनका पसंदीदा भोग आपको जरूर लगाना होगा, लेकिन ये किस समय और किस विधि से लगाना चाहिए ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी बताइए। अगर आपको एसिडिटी, आर्थराइटिस और हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, या फिर शनि की ढैया या साढ़े साती या महादशा में सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो आपको इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शनि देव को एक खास भोग लगाना चाहिए। शनि देव को उड़द की दाल के बड़े बनवा लीजिए, काले तिल और खिचड़ी, खिचड़ी में काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइए और उसमें नमक की जगह पे सोचर, जो काला नमक होता है, वो डालिए और उसका भोग लगाइए, और जरूरतमंदों में वो खिचड़ी आप बांट भी सकते हैं। थोड़ी सी खिचड़ी का प्रसाद कौवे और कुत्ते को भी देना चाहिए। शनि की साढ़े साती ढैया या महादशा चल रही है तो शनिवार को शाम के समय शनि मंदिर में उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं। जरूरतमंद लोगों को कंबल, छाता, जूता ये भी आप दान कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं सिलवासा महाराष्ट्र से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने नाम के साथ प्रश्न करें, नाम बताएं पहले और फिर प्रश्न करें अपना। पंडित जी, मेरा नाम इंदु मिश्रा है, मैं सिलवासा से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 30 मार्च 1995 दिन गुरुवार दोपहर का, महाराष्ट्र उल्हासनगर, और मेरी बेटी का नाम है प्रिया मिश्रा।
पंडित जी, मैं उससे शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि कब शादी होगा। अभी तो दूर दूर तक लड़का दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर मतलब कोई उपाय आप बताते हैं तो क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी इंजीनियर है तो उसको टाइम नहीं रहता है। और तो और उसका क्या मीन राशि है, ऐसा मैं पूछना चाहती हूँ। देखो, एक बात अच्छी तरह से जान लो कि वो उसके पास समय नहीं है, ठीक है। तुम बृहस्पतिवार को उसको 100 ग्राम हल्दी का पाउडर दे दो, और जहाँ रहती है उससे कह दो कि बिटिया, ये मेरी दी हुई हल्दी है, आपके हाथ पीले करने के लिए दे रही हूँ। ये हल्दी 2 चुटकी पानी में डाल करके और आप 64 दिनों तक स्नान कर लीजिए। ये आपका परोपकार होगा हमारे लिए, क्योंकि आपका विवाह जब हम कर देंगे तो थोड़ा सा हम भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको चाहिए कि आप केले के पेड़ में जल और हल्दी डाल करके एक दिया बृहस्पतिवार को जला दिया करिए। जहां तक उसके विवाह का प्रश्न है, तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, अप्रैल 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में बहुत योग्य विवाह उसका हो जाएगा, बहुत योग्य विवाह हो जाएगा, बहुत ही जेन्युइन लड़के के साथ उसका विवाह होगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक उपाय आप कर सकती हैं, अगर बुधवार के दिन आप भीगी हुई मूंग गाय को खिलाएं तो 17 बुधवार ये उपाय करते करते उसके विवाह का योग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आज के हमारे लक्की ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है जम्मू की रहने वाली ज्योति, और इनकी डिटेल पंडित जी के पास ऑलरेडी मौजूद है। पंडित जी, इनके जो सवाल हैं वो मैं बता देती हूँ। 2 बार इनका गर्भपात हो चुका है, भविष्य में गर्भधारण कब करें, प्रॉपर्टी कहाँ और कब लेनी चाहिए, आजकल आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, करियर को लेकर चिंतित हूँ, क्या उपाय करें। देखो, ऐसा है बेटा, आपका जन्म 9 नवंबर 1983 को 7 बजे शाम को हुआ है जम्मू कश्मीर में। अभी आपकी राहु की दशा चल रही है, और राहु में शनि का अंतर चल रहा है। राहु शनि का षडाष्टक योग है। पिछले एक साल से बहुत ही खराब दशा चल रही है, जिसमें न तो आपका स्वास्थ्य ठीक है, न तो आपका भाग्य ठीक है, और न आपके जीवन में कुछ भी ठीक चल रहा है। और ये दशा आपकी 29 जुलाई 2026 तक है। आपको चाहिए कि आप नित्य महामृत्युंजय मंत्र के 10 माला जप किया करें, और गर्भ प्राप्ति के लिए आप काली कवच देवी काली का जो कवच है उसका नित्य आप सुबह शाम पाठ किया करें, और जब आपको गर्भ धारण करने की इच्छा हो तो उस काली कवच को एक लाल रंग की स्केच पेन लेकर के और भोजपत्र पर पूरा काली कवच लिख लेना, और लिख करके 50 बार उसका पाठ करना, और उसको खूब तह करके एक चांदी की ताबीज बनवा करके उसमें उसको भर लेना शनिवार को, और उसका ढक्कन बंद करके उसे लाल धागे में अपने गले में धारण कर लेना। उसके बाद गर्भधारण भी होगा, उसके बाद अच्छा शिशु भी पैदा होगा और होनहार बालक होगा, और गर्भपात तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ आप काली कवच पढ़ोगी तो आपको पता चल जाएगा कि मृतवत्सा और बंध्या लोगों के लिए काली कवच वरदान है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कर्ज मुक्ति के सबसे सरल उपाय। पंडित जी बताएं। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लाल मसूर का दान मंगलवार को करिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा नीट क्लीन रखिए, वहां एक कागज का टुकड़ा भी न गिरने पाए। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार और शनिवार को तेल और सिंदूर का लेप करिए। अपने माथे पर फिर उसी सिंदूर का तिलक बाएं पैर के अंगूठे से, हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे से, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर के या पुजारी से अपने माथे पर लगवाइए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सुबह शाम 7-7 बार पाठ करिए। ईएमआई से जल्दी राहत पाने के लिए हर बुधवार 1.25 पाव मूंग उबालकर उसमें घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाना शुरू करिए। जब तक कर्ज नहीं उतर जाता है तब तक ये उपाय करिए, जल्दी कर्ज उतरेगा,
आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी परिस्थिति और अपनी पूजा के हिसाब से जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं वो आप करें और जीवन में सुखी रहें। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि विषय आज का हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।